कहा जाता है कई बार किसी व्यक्ति के बयान उसके सुर्खियों की वजह बन जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी दिव्य शक्तियों और अपने बयानों की वजह से लगातार चर्चा में बने रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कई बार अपने मंचों से खुले तौर पर हिंदू राष्ट्र की बात की और उसके बाद से उनकी चर्चा लगातार देश में भी होती रही और साथ ही उनकी दिव्य शक्तियों की वजह से उनकी चर्चा विदेशों में भी होती रही। उनकी दिव्य शक्तियों की ही बात है, उनकी दिव्य शक्तियों का ही चमत्कार है कि उनकी शक्ति को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए और उसमें एक बड़ा नाम होता है दुबई से आने वाले बू अब्दुल्ला का। जी हाँ, पिछले दिनों दुबई से एक बड़े व्यापारी और बड़े बिजनेसमैन बू अब्दुल्ला भारत आए थे। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात किया था और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने काफी प्रसन्नता जाहिर की थी। उन्होंने ट्वीट करके भी इस बात को लोगों के साथ साझा किया था। लेकिन एक बड़ी बात जो अब आ रही है वो ये है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार दुबई में लगने वाला है। जी हाँ, आज 22 मई है यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार 24 और 25 मई को दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगेगा और उसका समय होगा शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपको बता दें कि दुबई में बू अब्दुल्ला ने ये सारा आयोजन कर रखा है और कहा यह भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी विशेष सहयोग है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय दुबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक संदेश भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम बात करें दुनिया के देशों की तो दुनिया के देशों में दुबई एक बहुत ही सुरक्षित देश है। आइए आपको सुनाते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो बयान जिसमें वो दुबई पहुंचने के बाद अपनी बातें रख रहे हैं। श्री सीताराम, हम जो है आज दुबई आ गए हैं, बहुत अद्भुत जगह है। हमारी बहन जी पूनम बहन, हमारे प्रिय बड़े ही डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब और पवन अहलूवालिया जी, हम सब लोग मिलकर अब जो है एयरपोर्ट से वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ निवास है। अद्भुत जगह है, प्राकृतिक सुंदरता में कंस्ट्रक्शन की जो सुंदरता है वो अद्भुत है। यहाँ के लोग भी बहुत विनम्र है और अद्भुत सुरक्षित जगह है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित कंट्री है दुबई। यहाँ के लोगों की एक और सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि सभी कल्चर का, सभी मजहब का स्वाभाविक रूप से सम्मान है। ये बड़ी अद्भुत बात है, वो भी दिल खोलकर। हम संपूर्ण यूएई दुबई में रहने वाले प्रियजन और इस राष्ट्र के लिए अपने हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि इस राष्ट्र का उत्थान हो गए, पूरे विश्व में ऐसे ही नाम रहे और इस राष्ट्र में शांति बनी रहे सदा और हमेशा। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से यहाँ रहने वाले सभी लोग निरोगी सुरक्षित रहें, सुसंस्कृत बांध रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और आकर के बहुत अच्छा लगा, जो भी अनुभव आगे होगा हम बताएंगे। पुनः हम अपने प्रिय डॉक्टर बू पर हम सच कहें, हमें यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई। आओ कुछ दिन गुजारो दुबई में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ दिनों पहले एक बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि आने वाली 22 मई को वो दुबई जाने वाले हैं और दुबई में अपना दरबार लगाने वाले हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दुबई पहुंचते ही वहां के जो सनातनी लोग हैं वो भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार का दरबार यहाँ पर सजे। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस दरबार का क्या प्रभाव पड़ता है, ये दरबार क्या नया मोड़ लेता है और इस दरबार की देश दुनिया में क्या चर्चाएं होती हैं। क्योंकि एक कट्टर मुस्लिम देश में जहां से इस्लाम का उदय हुआ वहां पर एक सनातनी का दरबार लगना अपने आप में बड़ी बात है। आपको बता दें कि पहले भी जब दुबई में मंदिर बनने की बात आई थी तो पूरे देश में काफी चर्चाएं चल रही थी और विशेष रूप से पाकिस्तान में इसमें कुछ ज्यादा ही हो हल्ला हो रहा था। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान जैसा देश जो कि मंदिर बनने को लेकर इतना ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था
बू अब्दुल्ला के द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन पर क्या प्रतिक्रिया देता है, इसमें क्या बात निकलकर सामने आती है, आपका क्या मानना है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसी ही खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।